दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर हो गया है, जैसा कि आप सभी को पता है। कल शाम को जिस तरह की बातें चल रही थी और आप लोगों ने ये भी देखा कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के नेताओं की बैठक हुई, और बैठक के बाद बताया ये जा रहा था कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन महाराष्ट्र का सबसे बड़ा उलटफेर ये है कि एनसीपी के साथ मिलकर के बीजेपी ने सरकार बना ली है। देवेंद्र फडणवीस ने अभी अभी शपथ ग्रहण की है। वहीं एनसीपी की तरफ से जो एनसीपी के दूसरे नेता हैं, यानी कि अजीत पवार, वो डिप्टी सीएम पद की शपथ उन्होंने ली है। तो ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी खबर और महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर, जहां एक तरफ शिवसेना कांग्रेस देखती रह गई, वहीं दूसरी तरफ एनसीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना ली। ये बहुत बड़ी खबर आज की है। दोस्तों अगर आपको लगता है ये गलत राजनीति का फायदा उठाया गया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने कल ही बताया था कि राजनीति में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह की देरी की गई उसको मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने एक बार फिर फायदा उठा लिया है और एक अवसरवादी यानी कि राजनीति का उसको लाभ मिला है। वहीं आपको बता दूं, बात करें शरद पवार की, तो शरद पवार की तरफ से अभी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आया है, लेकिन अजीत पवार जो उनके जो है भतीजे बताए जा रहे हैं, उन्होंने शायद ऐसी खबरें भी आ रही कि बगावत उन्होंने की है, शरद पवार से हट के जो है उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया है। तो ऐसे में अजीत पवार जो है मिल करके समर्थन दे के बीजेपी के साथ सत्ता में काबिज हो गए। ये बहुत बड़ी खबर है, यानी कि राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर। कांग्रेस शिवसेना को साइड में रखते हुए एनसीपी ने बीजेपी को समर्थन देकर के महाराष्ट्र में सरकार बना ली है। ये है बड़ी खबर जो कि मैं आप लोगों को दे रहा हूं। दोस्तों इसके ऊपर जो कुछ भी स्थितियां स्पष्ट होंगी कि क्या कुछ हुआ था, किन बातों को लेकर के ऐसा सब कुछ हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब भी कोई स्पष्ट जानकारी आती है। लेकिन अभी की जानकारी यही है कि महाराष्ट्र में फिर एक बार बीजेपी सरकार और एनसीपी के साथ बनाई गई है। दोस्तों इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं नीचे वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।